z plus z cube is equal to 0, then options diye gaye hai ke real part of z will be greater than 0, real part of z less than 0, real part of z equal to 0, aur fourth number option hai ke imaginary part of 0, z is equal to 0. तो जो हमें दिया गया है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. इससे मैं z अगर कॉमन कर लूँ तो 1 plus z square is equal to 0 आ जाएगा. तो या तो हम z को 0 के बराबर ले लेंगे या 1 plus z square is equal to 0. तो एक तो ये बात हो गई, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो z square is equal to minus 1 आ जाएगा. z आ जाएगा plus minus square root minus 1, जिससे क्या आता है plus minus iota. तो आप अगर गौर करें तो इसमें जो पहला हमें मिला है इसको मैं 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ, दूसरा सोल्यूशन प्लस आयोटा यानी कि 0 प्लस आयोटा, तीसरा माइनस आयोटा मतलब 0 माइनस आयोटा. तो तीनों में आप देखें तो हमारे पास 0 कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट. तो इसका मतलब कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ के के प्लस आयोटा पावर 4 इज रियल. तो हम के प्लस आयोटा पावर 4 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास ये किन वैल्यूज़ के लिए रियल आएगा. ठीक है, तो के प्लस आयोटा पावर 4 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ. अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने के दो तरीके हैं. एक तो हम इसको उससे भी कर सकते हैं कि पास्कल ट्राइंगल वाले तरीके से भी हम हर किस्म का फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं. ए प्लस बी का कोई भी पावर आ जाए तो उसको एक्सपेंड किया जा सकता है. या दूसरी बात हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको क्या करें, दो बार लिख ले के प्लस आयोटा होल स्क्वायर इंटू के प्लस आयोटा होल स्क्वायर. इस तरह से भी हो सकता है, जिस तरह आपको आसान लगता हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये तरीका ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा. तो मैं थोड़ा सा आपके लिए पास्कल ट्राइंगल वाला तरीका एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आपने कोई फार्मूला एक्सप्लेन करना है. पास्कल ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, इस तरह से लिखा जाता है कि साइड्स पर उसमें 1 1 आते हैं. ठीक है, और दरमियान में इन दोनों का सम, इस 1 और 1 को ऐड करके इसके दरमियान लिख लेंगे तो 1 2 1 आ जाएगा. नेक्स्ट फिर साइड्स पर हमेशा 1 1 आएंगे, 1 प्लस 2 से 3 तो ये इसके दरमियान लिख लेंगे, 2 प्लस 1 से 3 तो ये इसके दरमियान, फिर 1 प्लस 3 से 4, 3 प्लस 3 6 और 3 प्लस 1 4 और ये 1. तो ये मैंने 4 तक कर लिया. आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 4 से 5, 4 प्लस 6 से 10, यहाँ से 10 और यहाँ 4 प्लस 1 5. तो ये पास्कल ट्राइंगल जहाँ तक आप लोग एक्सपेंड करना चाहे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. ये तो हमारे पास पास्कल ट्राइंगल हो गया. n इज इक्वल टू 0 के लिए ये होता है, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए, इसी तरह नेक्स्ट वन n इज इक्वल टू 2 के लिए, हमारे पास n इज इक्वल टू 4 के लिए ये आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है इस फार्मूले में. k प्लस आयोटा पावर 4 को मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ. तो इससे आप कोई भी फार्मूला आसानी के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं. कैसे एक्सपेंड करेंगे मैं आपको तरीका सिखाता हूँ इसका. अब बात ऐसी है, मैंने यहाँ पर आपके लिए पास्कल ट्राइंगल दोबारा से बना दिया है. हम इस पर कोई भी a प्लस बी का कोई भी पावर आ जाए उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. a प्लस बी पावर 0 है तो ये n इज इक्वल टू 0 के लिए ये 1 के बराबर आ जाएगा. किसी भी चीज़ का पावर आ जाए 0 तो वो 1 के बराबर होता है, ये हमें पहले से पता है. a प्लस बी पावर 1 को a प्लस बी लिखा जा सकता है. तो यहाँ पर इसके ये कोएफिशिएंट है, पास्कल ट्राइंगल से हम इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे. n इज इक्वल टू 2 के लिए a प्लस बी स्क्वायर के लिए इस पास्कल से हम कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे, मतलब पहला 1 है फिर 2 है और फिर 1 है. तो यहाँ पर 1, और सबसे पहले स्टेप में ये काम होगा कि a का जो पावर होगा यहाँ पर वो आएगा, तो मतलब a स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2 के साथ फिर क्या आएगा, फिर इसका जो पहला है बायनॉमियल थ्योरम के मुताबिक जिस तरह हम करते थे, इसका पावर 1 1 कम होता जाएगा और सेकंड का पावर 1 1 इंक्रीज होता जाएगा. तो a का पावर 1 कम हो जाएगा तो a स्क्वायर से a रह जाएगा, और b का पावर यहाँ पर 0 होता है तो इसको हम नहीं लिखते. तो नेक्स्ट में ये इंक्रीज होकर बी पावर 1 बन जाएगा, फिर प्लस तीसरा कोएफिशिएंट भी 1 है. ए का पावर एक और कम कर ले तो ए खत्म हो जाएगा, और बी का एक और ज्यादा कर ले तो ये स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका मतलब कि हमारे पास ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब अगर आपको ए प्लस बी होल क्यूब चाहिए तो क्यूब के लिए हमारे पास ये कोएफिशिएंट्स हैं. तो पहला कोएफिशिएंट 1 है, ए का पावर ये 3 आ जाएगा, बी का पावर 0, प्लस दूसरा कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है और ए का पावर 1 कम हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी 1 इंक्रीज हो जाएगा. फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट अगेन 3 है, ए का पावर 1 कम तो ए और बी इंक्रीज कर ले तो बी स्क्वायर. और सबसे लास्ट में 1 कोएफिशिएंट है और ए खत्म हो जाएगा, बी का पावर इंक्रीज कर ले तो बी क्यूब. तो ये हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बन गया. और अब ए प्लस बी पावर 4 के फार्मूले की तरफ जाते हैं. पहला कोएफिशिएंट 1, ए का पावर 4, बी का पावर 0. दूसरा कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ से आप देख सकते हैं ए क्यूब हो जाएगा और बी का 1 पावर. इसी तरह नेक्स्ट कोएफिशिएंट 6, ए स्क्वायर आ जाएगा और बी का पावर इंक्रीज कर ले तो वो भी स्क्वायर. फिर 4,
a पावर 1 और b क्यूब और लास्ट में 1 कोफिशिएंट है और b पावर 4. तो ये हमारे पास a plus b पावर 4 का फार्मूला आ गया जो कि हमें इस क्वेश्चन में जरूरत होगी. ठीक है, तो मैं आपको अब ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. अब k plus iota पावर 4 है तो इसी पास्कल ट्रायंगल वाले तरीके से हम इसको सिंपलीफाई करते हैं. कोफिशिएंट्स क्या है, पहला कोफिशिएंट 1, k का पावर 4 आ जाएगा, iota का पावर 0, फिर 4 कोफिशिएंट k क्यूब होगा और iota का 1 पावर, फिर 6 कोफिशिएंट है k स्क्वायर और iota स्क्वायर, फिर 4 k पावर 1 और iota क्यूब, और फिर लास्ट में 1 कोफिशिएंट k खत्म हो जाएगा और iota पावर 4. अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं जो रियल पार्ट से वो हमारे पास अलग हो जाएंगे. k पावर 4 रियल है, ये जो 6 k स्क्वायर iota स्क्वायर है तो iota स्क्वायर की वजह से -6 आ जाएगा, तो इसको मैं -6 k स्क्वायर लिख सकता हूं, और iota पावर 4 जो होगा ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा. तो ये तीनों हमारे पास रियल पार्ट हो गए प्लस 1 आ जाएगा. इसको मैं अलग कर लेता हूं और बाकी से iota को कॉमन कर लेते हैं. तो एक ये वाला है, ये जो इस पर मैं क्रॉस लगा दूंगा जो इमेजिनरी पार्ट्स है, तो आपको क्लियर होगा 4k क्यूब है. और दूसरा जो हमारे पास पार्ट आया है इसमें वो है 4k iota क्यूब. 4k iota क्यूब का मतलब iota क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस iota k, लेकिन इसमें से मैं iota कॉमन कर चुका हूं, मतलब इसको मैं 4k iota स्क्वायर लिख लूंगा, ये बाकी रह जाएगा और iota स्क्वायर की वजह से ये -4k बन जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको 4k क्यूब -4k लिख लूंगा. अब हमें करना क्या था, हमें ये कहा गया है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ k, k plus iota power 4 is real. k plus iota power 4 हमें रियल चाहिए, तो ये रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो जाए, 0. तो मैं टेक इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 कर लूंगा, और इमेजिनरी पार्ट इसमें हमारे पास कौन सा है, 4k क्यूब माइनस 4k, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है. इसमें से 4k कॉमन कर लेंगे तो रह जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो इससे एक वैल्यू k इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, जिससे कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और k आ जाएगा प्लस माइनस 1. ठीक है, 1 और माइनस 1, तो ये तीन वैल्यूज है, k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू माइनस 1, जिसके लिए k प्लस रूट ऑफ पावर 4 हमारे पास रियल आएगा. नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एमसीक्यूज के लिए कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करनी थी इसमें. सपोज Z1 प्लस Z2 हम मालूम कर रहे हैं, Z1 हो जाएगा X1 प्लस आयोटा Y1 और Z2 हो जाएगा X2 प्लस आयोटा Y2. ठीक है, तो इन दोनों में से हमने रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ. तो मैं इसको X1 प्लस X2 लिख लूंगा, प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन हो जाएगा तो Y1 प्लस Y2. तो इसका मतलब अगर हमें एमसीक्यूज में कहा जाए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, इसमें से रियल पार्ट है ये वाला X1 प्लस X2. तो ये हम लिख सकते हैं कि X1 क्या था, असल में ये रियल पार्ट था Z1 का. तो इसको मैंने लिखा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ X2 क्या था, Z2. तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 के. एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रख ले. इसी तरह अगर हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए Z1 प्लस Z2 का, तो ये इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा के बगैर. ठीक है, तो Y1 प्लस Y2 हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम लिख लेंगे. Y1 क्या है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट, Y2 है Z2 का इमेजिनरी पार्ट. तो इसको मैंने लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यहाँ पर ये लिखा गया. तो ये हो गई बात एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की.